सामाजिक संगठन द्वारा कई प्रखंडों में गरीबी महिलाएं वर्ग को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें जीवन यापन करने में किसी तरह का कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए संस्था के द्वारा लगातार महिलाओं की समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसके लिए संस्था के कर्मचारियों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। कई जीविका के दीदियों ने बताया कि इसी जीविका से ही मेरा जीवन यापन हो रहा है और मेरी आर्थिक स्थिति भी पूर्ण रूप से ठीक हो गई है और लोगों को भी वह जीविका में जोड़ने के लिए जागरूक व सलाह देती रहती हैं, ताकि किसी भी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और लोगों की उज्जवल भविष्य बनता जाए, ताकि हमारे समाज में रहने वाले प्रत्येक गरीब महिलाओं की जीवन में खुशहाली नजर आती रहे। हमको ये ध्यान में रखना होगा कि यदि हमारे ग्राम संगठन में 200 दीदी है तो 200 दीदी को हमें रोजगार के माध्यमों से जोड़ना है। अभी बहुत सारा दीदी बताई कि हमने रोजगार किया, हम अपने बच्चों को पढ़ाए। अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम रश्मि कुमारी हुआ, प्रखंड परियोजना प्रबंधक। अभी मैं यहाँ पर 2 महीने पहले ज्वाइन की हूँ। इसके पहले मैं नवादा ज़िला में थी और यहाँ पर ये मेरा पहला प्रोग्राम है और बहुत ही यहाँ पर के लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारा ये जो CLF है रजिस्टर्ड हो चुका है। रजिस्टर्ड करने का मतलब ये स्वतंत्र इकाई हो गया, अब ये स्वतंत्र है अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जैसा कि भी प्रमोद सर भी बता रहे थे कि हर दीदी को लखपति बनाने का हमारा उद्देश्य है, तो इस क्षेत्र में मेरा आने के बाद सबसे पहला ये कदम हुआ कि कोई भी दीदी को अगर हमको पैसा देना है, लोन का पैसा, तो 1% ब्याज के साथ में हम लोग लोन का पैसा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक दीदी को 1,00,000 रुपया हम लोग दे देते हैं तो और दीदी को इसमें ऑब्जेक्शन रहता है कि वो दीदी 1,00,000 रुपया ली है, कल के डेट में अगर वो दीदी पैसा वापस नहीं करेगी तो फिर हम लोग 10 दीदी उनका क्यों समर्थन करें। वो दीदी पैसा लेकर के वापस नहीं करेगी, NPA होगा, तो नोटिस हम लोग 3 लीडर को ही आता है और एक्शन वही 3 लोगों पर होता है। कौन कौन सा स्वरोजगार कर सकते हैं जो इसी क्षेत्र में भी और बता रहे हैं, तो वो दीदी को 1,00,000 रुपया चाहिए या 2,00,000 रुपया चाहिए, इसके लिए हम लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दिए हैं आज से और बैंक में भी सारा लेटर जा चुका है। जो भी दीदी को पैसा चाहिए होगा उनके खाता में 1,00,000 चाहिए, 1,00,000, 2,00,000 चाहिए, 2,00,000, 5,00,000 भी चाहिए, तो हम उनको प्रयास करेंगे देंगे, ये देखते हुए कि किस तरह का वो रोजगार कर रही है। क्योंकि हम लोग जो पहले था जीविका का जो उद्देश्य था समूह से दीदी को जोड़ना, अभी हम लोग सारी दीदी को लगभग सेंसेक्स के अनुसार जोड़ चुके हैं और अब हम लोग का उद्देश्य है लाइवलीहुड की तरफ बढ़ना। तो लाइवलीहुड की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले पैसा ज़रूरी है, तो दीदी को हम लोग दे रहे हैं और उसकी इच्छा अनुसार हम लोग उनको पैसा देंगे, रोजगार भी करवाएंगे और प्रशिक्षण भी RCT के माध्यम से कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि अभी आप वहाँ देख रहे हैं चूड़ी रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, वो चूड़ी भी दीदी लोन लेकर के ही शुरू की है और उससे अपना घर चला रही है। तो हमारा उद्देश्य एक एक दीदी को लाइवलीहुड से जोड़ देना और घर का जो खर्च है उसमें हाथ बटाना, 4 से 5 हज़ार रुपया सब दीदी कमा। जिला में कितने महिलाओं को रोजगार मिल चुका है ये लोन? अभी तो हम सारा सर्वे निकाल रहे हैं, लेकिन अभी जो मेरा सर्वे के अनुसार है, जो मेरा रिपोर्ट है, लगभग 65% महिलाओं को हम लोग लाइवलीहुड से जोड़ लिए, बाकी जो रेस्ट है उसको प्लानिंग के अनुसार जल्द ही जोड़ लिया जाए। रश्मि कुमारी मेरा नाम हुआ, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, BPI चंदौली जी। और चाचा चाची की बेटी होती है, हमको डर रास्ते हमको शादी कर रहे हैं कि अंकल, तो हम नहीं करने के लिए चाह रहे थे, तो बोले कि नहीं करी सारी तो तुमको मारेंगे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी की कोई नहीं देखभाल कर लेंगे, हम अकेले हैं, मेरे भाई बहन भी नहीं है, तो वही हम बोल रहे थे कि हम अपने माँ को छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे, हमको डर रास्ते ऊपर में शादी कर रहा था और बोल रहे थे कि नहीं करेंगे तो माई बेटी को मारेंगे। तो हमको भैया लोग दिए हैं, बकरी दिए हैं भैया, तो वही हम सुनीता मैम के हम फ़ोन किए, तो भैया नीरज भैया, संतोष भैया, सब भैया लोग आए, मैम लोग दिए हैं मेरे घर और हमको शादी रुकवाए। कितना बकरी पाल रही है? 5 गो बकरी, 2 बच्चा है, 5-3 गो बकरी। आपको लगता है कि ऐसे आपका जीवन यापन हो रहा है ना? खर्चे क्या हुआ? रोजगार भी दिया गया है। क्या नाम है? खुशबू कुमारी। कहाँ रहते हैं?
ज्ञानी विभाग। संकल्प जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड जो आपका केवाली में है, यहाँ पे आज वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया और इस आम सभा के माध्यम से दीदियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जितना भी हमारे ये लगभग 8000 दीदी इस संस्था में जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे सभी को रोजगार के माध्यमों से जोड़ने के लिए दीदी लोग कृत संकल्पित हैं। आप देखेंगे मंचा सिंह हमारा जो निदेशक मंडल की दीदियाँ हैं, उन्होंने आज वार्षिक आम सभा में ये फैसला लिए हैं कि जो लखपति दीदी अभियान चल रहा है जिसमें प्रत्येक जितना भी समूह की दीदी हैं उनको सालाना 1,00,000 रुपया का इनकम सुनिश्चित होना जरूरी है, उस पर ये निर्णय लिया है। दूसरा एक निर्णय महत्वपूर्ण लिया है कि दीदी देख रहे हैं कि आज के डेट में महंगाई बढ़ते जा रहा है और इनका बचत अभी 10 रुपया हो रहा था, तो आज इस आम सभा के माध्यम से दीदियों ने निर्णय लिया है कि अब 20 रुपया बचत प्रत्येक हफ्ता ये करेंगी ताकि इनके आने वाला समय में वो कुछ उनके लिए बुढ़ापा में सहारा हो सके। कोई नई महिला जुड़ना चाहेगी तो क्या प्रोसेस है, कैसे? अभी नई महिला जुड़ना चाहे तो पूरा गया जिला में ये हम लोग अभियान छेड़ रखे हैं कि यदि कोई समूह में 12 दीदी है तो 13वा दीदी भी जुड़ सकती है, 14वा दीदी भी जुड़ सकती है, 15 तक एक समूह में दीदी जुड़ सकती है। तो जो भी दीदी गरीब दीदी है वो जुड़ना चाहें तो बगल में जहाँ भी वो गांव में रहती है वहाँ के सीएम दीदी एक होती है जो मीटिंग कराती है, उनसे संपर्क करें और उस दीदी को उसमें जोड़ लिया जाएगा और वर्तमान समय से उनको बैठक में सारे चीज़ों एक्टिविटी में उनको शामिल किया जाएगा। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रबंधक IVCB गया जिला। में ये सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा ये निबंधित संस्था है जो कि संकल्प जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड पंजाब के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है मुख्य रूप से ये सारे जो इसके अंशधारी सदस्य हैं उसको हर वर्ष जो पिछले वित्तीय वर्ष में क्या क्या कार्य किया गया है वो पूरा लेखा जोखा यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है ताकि सारे सदस्य उससे अवगत हो सके कि हमारे संस्था में हमारे संगठन में क्या अच्छे कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही ये अगले साल की कार्य योजना भी प्रस्तुत की जाती है यहाँ पे ताकि उसके जो लक्ष्य निर्धारित किया है संगठन ने उस लक्ष्य तक कैसे हम पहुँच सकें इसकी कार्य योजना भी यहाँ पे क्या लक्ष्य है संक्षिप्त में थोड़ा बताएंगे? हाँ, लक्ष्य यहाँ पे है कि अभी तक जैसा कि पिछले वर्ष के रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पे प्रस्तुत किया गया लगभग 60-70% दीदियाँ जो हैं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं इस CLF के अंदर वो किसी न किसी रोजगार या स्वरोजगार माध्यम से प्राप्त कर चुकी हैं। बाकी जो दीदियाँ हैं उनको भी स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है, साथ ही साथ इनका संगठन एक आदर्श संगठन बने इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है ये संगठन कि हर दीदी लाखपति दीदी कहलाए और उनकी आमदनी हर महीने कम से कम 10,000 रुपये हो सके। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में गया जिला में जीविका में पदस्थापित। मैं केसरू पंचायत के रहने वाली हूँ, केसरू पंचायत धर्मपुर के रहने वाली हूँ। मैं बहुत गरीब अतिथि से ज़िंदगी मेरा कट रही थी, मेरा हस्बैंड थोड़ा दिमाग से कमज़ोर था। मैंने जीविका से जब से जुड़ी तब से 1,00,000 रुपया यहाँ से ली तो अपना रोज़गार किए, चूड़ी का कारोबार किए। मेरे पास 5 लड़कियाँ 2 लड़का हैं, सब मिलकर घर ही में काम करते हैं और ये चूड़ी बंडल पैकार द्वारे जाते हैं, पटना जाते हैं, गया जाता है और ये काम धंधा घर ही में करते हैं। तो ये घर में निर्मित करते हैं या खरीद के लाते हैं? नहीं, घर में निर्मित करते हैं, बनाते हैं जी। पंचायत जितने केसरू धर्मपुर पंचायत में जीविका से सभी परिवार जुड़ गई हैं और ये काम कम से कम 100 घर ये काम हो रही है। एक दिन में कितने पीस बनाते हैं मिलकर काम? बहुत सारे एक दिन में पंचायत में काम कर रहे हैं। कोई जीविका से पैसा लेकर गाय बकरी लिया, कोई जीविका से पैसा लेकर के मुर्गी पालन किया, कोई जीविका से पैसा लेके अपना दुकान किया, कोई जीविका से पैसा लेके मैंने सब कोई हम लोग हमारे जीविका में कम से कम 12-24 गो समूह चल रही है और उस समूह को अनीता कोऑर्डिनेटर हाँ जी हैं। और एक दिन में कितने पीस आप बनाते हैं चूड़ी?
पीस मत कहिए, हमारे के यहाँ एक नहीं है, बंडल बनते हैं, कम से कम 100 बंडल बन जाते हैं, 50 परिवार से बैठ कर सब एक जमा बनाते हैं हम लोग, और इसी से हम लोग की जिंदगी कारोबार चल रही है, पैसा लेना देना करते रहते हैं। नाम बता दीजिए। नाम मेरा मदीना खातून है। कहाँ रहते हैं? केसरू धर्मपुर पंचायत में रहने वाली हूँ।